अस्सलाम वालेकुम। के ट्रेड मॉर्निंग आउटलुक में मैं हूँ हशाम। कल की मार्केट को देखा जाए तो कल मार्केट अच्छी खासी ड्रॉप हुई थी और उसकी सबसे बड़ी वजह ये थी कि फॉरेन सेलर ज़्यादा थे। तकरीबन 7.6 मिलियन डॉलर्स तक की सेलिंग हुई मार्केट में। प्लस बायर्स की तरफ से एक इंटरेस्ट भी नहीं रहा, रीज़न बीइंग कि एक सबसे बड़ी वजह इलेक्शंस ही है। उसके अलावा जो मॉनेटरी पॉलिसी की अनाउंसमेंट आनी थी उसकी वजह से भी मार्केट में इन्वेस्टर्स थोड़े से हेजिटेंट थे। न्यूज़ साइट पे देखें तो कल हमने देखा कि शाम में जो मॉनेटरी पॉलिसी अनाउंसमेंट आई उसमें इंटरेस्ट रेट एज़ मार्केट एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से 22% पे ही स्टेबल रखा गया। उसकी वजह यह है कि जो इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स हैं आगे आने वाले वक्तों में वो ज़्यादा बढ़ते हुए दिख रहे हैं, तो इंटरेस्ट रेट को स्टेबल रखना ही गवर्नमेंट ने मुनासिब समझा। इसके अलावा गवर्नमेंट की तरफ से एक इंसेंटिव आया है, जो हाई एंड फोन्स की मैन्युफैक्चर होती है उसकी R&D में 3% तक गवर्नमेंट की तरफ से इंसेंटिवाइजेशन है। एक और बड़ी न्यूज़ ये देखी जा सकती है, जैसे कल भी डिस्कस हुई थी, कि जो पेट्रोलियम की प्राइसेस हैं उसके अंदर इंक्रीज़ देखा जा सकता है बाय 1 फरवरी। तकरीबन पेट्रोल में 8 से 11 रुपए तक की इंक्रीज़ और डीजल में 6 रुपए तक की इंक्रीज़ एक्सपेक्टेड है। ओवरऑल आज की मार्केट को देखें तो मार्केट उसी तरीके से वॉलेटाइल रेंज बाउंड एक्टिविटी शो करते हुए देखेगी। जो कुछ पेंडिंग चीज़ें थी जैसे मॉनेटरी पॉलिसी है वो तो सामने आ चुकी है, बट इलेक्शंस की वजह से थोड़े से वॉल्यूम्स हमें लोअर साइड पे ही दिखेंगे। तो इन्वेस्टर्स को यही अर्ज किया जाएगा कि अपनी पोजीशंस को कॉशियसली मैनेज करें। थैंक यू।